प्यारे बच्चों, विज्ञान की कक्षा के पिछले सत्र में हमने लैंगिक जनन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार एक फूल में दो प्रकार के जनन अंग होते हैं, पुंकेसर यानी स्टैमन और स्त्री केसर पिस्टिल। साथ में हमने पुष्प के दो प्रकारों को जाना था, जिसमें एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प की जानकारी हमने हासिल की थी। साथ में हमने ये भी जाना था कि किस प्रकार नर और मादा भाग मिलकर एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि किस तरह से फूलों में परागण पॉलिनेशन होती है। सामान्यतः परागकणों में एक मजबूत सुरक्षा कवच आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है, क्योंकि परागकण हल्के होते हैं। अतः यह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकागर पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का पराग कोष में पुष्प के वर्तिकागर पर स्थानांतरण यानी वहाँ पहुँच जाना परागण कहलाता है, पॉलिनेशन। परागण को हम पॉलिनेशन भी कहते हैं। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकागर पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। जब पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकागर पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं, यानी क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। जनरली पॉलन ग्रेन्स हैव ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग अप। सिंस पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, दे कैन बी कैरिड बाई विंड एंड वाटर फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। When insect visit flowers, they carry away pollens on their bodies. Some of the pollens land on the stigma of the flower of same kind. The transfer of pollen from anther to stigma of the flower is called pollination. If the pollens land on the stigma of the same flower, it is called self-pollination. And when the pollen of the flower lands on the stigma of the another flower of the same plant or that of the another plant of the same kind, it is called cross pollination. नर और मादा युग्मकों के आपस में मिलने से एक नई कोशिका बनती है जिसको युग्मनज कहा जाता है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मक जिस प्रक्रम द्वारा आपस में संयोजित होते हैं यानी मिलते हैं, उनका युग्मन होता है, उसे निषेचन कहा जाता है। युग्मनज भ्रूण के रूप में समय के साथ विकसित होता रहता है। व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज विद ईच अदर, अ न्यू सेल इज फॉर्म्ड विच इज नोन एज जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। बाई द पैसेज ऑफ टाइम जाइगोट डेवलप्स इन टू ए एम्ब्रियो। प्यारे बच्चों, हमने पौधों में जनन की दो विधियों के बारे में चर्चा की, जिसमें एक विधि थी लैंगिक जनन और दूसरी अलैंगिक जनन। अब हम इन दोनों विधियों में अंतर आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। अलैंगिक जनन में केवल हमें एक ही जीव की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक जनन में नर और मादा दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है। अलैंगिक जनन में बनने वाला नया जीव अपने जनक के समान ही होता है, जबकि लैंगिक जनन में बनने वाला नया जीव
नर और मादा से दोनों के गुणों से संपन्न होता है। हाइड्रा, स्पाइगोरा आदि अलैंगिक जनन दिखाते हैं, जबकि मानव, कीड़े, जानवर आदि लैंगिक जनन दिखाते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन इजीली डिफरेंशिएट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वी नीड ओनली सिंगल पेरेंट्स, व्हाइल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी नीड टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द न्यू फॉर्म स्पीसीज इज सेम एज दैट ऑफ इट्स पेरेंट, व्हाइल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द न्यू फॉर्म स्पीसीज हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। हाइड्रा एंड स्पाइगोरा आर द एग्जाम्पल इन विच असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, व्हाइल मैन, इंसेक्ट एंड द एनिमल्स शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पौधों में परागण के दो प्रकार पढ़े, जिनमें एक था स्वपरागण और दूसरा परपरागण। स्वपरागण में परागकण उसी फूल के वर्तिकागर पर गिरते हैं, जबकि परपरागण में परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर या उसी प्रकार के किसी अन्य पौधे के फूल के वर्तिकागर पर गिरते हैं। परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे स्वपरागण कहते हैं। और जिस परागण के लिए हवा, पानी और कीट पतंगों आदि की माध्यम के रूप में आवश्यकता पड़ती है, उसे परपरागण कहा जाता है। स्वपरागण मूंगफली और सूरजमुखी आदि फूलों में देखने को मिलता है, जबकि परपरागण आम, गुलाब और इस तरह के कुछ अन्य पौधों के फूलों में देखने को मिलता है। नर और मादा युग्मकों के आपस में मिलने से एक नई कोशिका बनती है, जिसको युग्मनज कहा जाता है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मक जिस प्रक्रम द्वारा आपस में संयोजित होते हैं यानी मिलते हैं, उनका युग्मन होता है, उसे निषेचन कहा जाता है। युग्मनज भ्रूण के रूप में समय के साथ विकसित होता रहता है।